ਮੈਨੂੰ ਪਾਰ ਲੰਘਾ ਦੇਵੇ ਕੜਿਆ ਹਮਿੰਨਤਾ ਤੇਰੀਆਂ ਕਰਦੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਯਾਰ ਮਿਲਾ ਦੇਵੇ ਕੜਿਆ ਹਮਿੰਨਤਾ ਤੇਰੀਆਂ ਕਰਦੀ ਜਿਸ ਤਾਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣੇ ਉਹ ਜਿਸ ਤਾਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣੇ ਬੋਲ ਮਿੱਟੀ ਦਿਆ ਬਾਵਿਆ ਤੇਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਮੁਕਾ ਲਿਆ ਮੇਰਾ ਸੋਨਾ ਮਾਹੀ ਆ ਜਾ अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, पब्लिक स्लैब विद फ़हद नवाज़ के मकबूल तरीन प्रोग्राम के साथ फ़हद नवाज़ आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर है। नाज़रीन, ये क्यूट क्यूट प्यारे प्यारे हैंडसम बच्चे, टैलेंटेड बच्चे आप देख रहे हैं कि मेरे साथ साथ बैठे हुए हैं, और इनको तो प्राउड हो ना हो, मुझे ज़रूर प्राउड हो रहा होगा। डू यू रिमेंबर कि जब आरिफ भाई के साथ हमने एक एपिसोड की थी प्रीवियस वीक, तो मैंने आपको कहा था कि मैं आपको एक सरप्राइज़ दूंगा जो नेक्स्ट एपिसोड पे होगा, और वो नेक्स्ट एपिसोड की सरप्राइज़ जो है वो ये फैमिली है, ये क्यूट फैमिली जो और कोई नहीं आरिफ लोहार भाई के बेटे हैं माशाल्लाह। अब बताएं मुझे कैसा लगा आपको ये सरप्राइज़, हैरान हो गए, चौंके ना, इतने क्यूट प्यारे माशाल्लाह बच्चे देख के मेरे साथ बैठे हुए, मैं आज इनके साथ बैठ के प्राउड फील कर रहा हूँ कि इतनी बड़ी फैमिली जिनके दादा आलम लोहार साहब, जिनका नाम पूरी दुनिया में आज भी गूंज रहा है, जिनके वालिद मोहतरम आरिफ लोहार, जिनका नाम आसमान की बुलंदियों पर एक सूरज, मतलब क्या उसकी मैं बताऊँ वो करूँ, पिछले प्रोग्राम में मैंने आपको सारा कुछ उनके साथ जो बातचीत हुई बता दी, तो आज बेहतर ये है कि हम बच्चों को बोलने का मौका दें, हमें चुप रहना चाहिए, क्योंकि हम चुप रहेंगे तो बच्चे बोलेंगे, और बच्चे जो बोलते हैं वो सच बोलते हैं। व्यूअर्स, बजाय इसके कि इंट्रोडक्शन मैं करवाऊं, बेहतर होगा कि इंट्रोडक्शन अगर बच्चे खुद ही करवा दें तो क्या ही बात है। तो हम शुरू करेंगे आरिफ भाई के सबसे बड़े बेटे जनाब अली लोहार, आलम लोहार जूनियर, आमिर लोहार। जी व्यूअर्स, आपने नाम सुने, अली लोहार, आलम लोहार जूनियर और आमिर लोहार, तीनों नाम एन से, तीनों नाम ए से, और तीनों नाम में ही बुजुर्गियत, तीनों नाम में एक अट्रैक्शन, तीनों नाम में एक अपनापन, ये सब कुछ झलक रहा है, और न सिर्फ इनकी बातों से, न सिर्फ इनके नाम से, बल्कि इनके बैठने के स्टाइल से आप लोगों को पता लग रहा होगा कि ये कितने सुलझे हुए बच्चे हैं। तो मैंने कहा था यार मैं चुप रहूँगा तो मैं चुप, तो हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले अली से। जी अली, आप बताइएगा कि आप किस क्लास में पढ़ रही हैं और आपकी स्टडीज़ कैसी चल रही हैं? मैं क्लास 9 में प्रमोट हो गया हूँ माशाल्लाह, और मेरी स्टडीज़ बहुत अच्छी चल रही हैं। ठीक ठीक, अच्छा तो आपके जो फेवरेट सब्जेक्ट्स हैं वो कौन से हैं? साइंस, इंग्लिश, उर्दू। इट मीन से लगता है कि आप कोई साइंसदान ही बनना चाहते हैं, कोई साइंटिस्ट बनना चाहते हैं? मेडिकल। अच्छा मेडिकल में, वेरी गुड वेरी गुड, मतलब एक और इंतहाई काबिल डॉक्टर का जो है ना वो व्यूअर्स इजाफा होने जा रहा है पाकिस्तान की सरजमीन पर। तो अली मुझे आप ये बताइएगा कि आप तीनों भाइयों में शरारती कौन है सबसे ज़्यादा? शरारती उस तरह का कोई नहीं, वैसे आपस में जो भाइयों का प्यार होता है। नहीं, यहाँ पे मैं आपकी बात को झुटलाऊंगा, इधर मैं बात करूंगा आलम लोहार जूनियर से। आलम ये ले माइक जरा पकड़े ना और बताइएगा, व्यूअर्स आप इस क्यूट से बेबी को देख रहे हैं, ये माशाल्लाह इसके हेयर स्टाइल देख रहे हैं, और आप
गौर से इस क्यूट बेबी की आईज में देखें, इसकी आईज से ही शरारतें झलक रही हैं। ये बच्चा बड़ा शरारती है, मुझे पता है, क्योंकि मेरा आरिफ भाई के घर बड़ा फ्रीक्वेंटली आना जाना है। आलम बेटा जी, अपने जरा शरारतें तो बताएं ना, ये शरारतें करते हैं आप भाइयों के साथ? कुछ नहीं, मैं अपने भाइयों के साथ खेलता हूँ, अपने पापा के साथ करता हूँ, अपने पापा के साथ तकिए मारता हूँ। देखें, देखें, बड़ा भाई पर्दा रख रहा था, लेकिन छोटे भाई ने, आलम भाई ने, आलम जूनियर भाई ने खुद ही ये चीज़ वो कर ली, एडमिट कर ली कि नहीं, मैं तो तकिए भी मार दूँ। तो अब तक कितने तकिए फाड़ चुके हैं भाई, जरा बताइएगा। कितने तकिए आपने भाइयों को मार मार के फाड़े हैं आपने? नहीं कुछ भी नहीं। अच्छा, इनके तकिए वैसे ही आप मारते हैं, ऐसे हल्का सा पुश कर दिया? हाँ जी। अच्छा, कभी आप ही किसी शरारत से नुकसान पहुंचा किसी को? नहीं नहीं, ये तो हम पूछेंगे ना आमिर से। जरा आमिर, आप बताइएगा कितने शरारती हैं हमारे ये आलम लोहार साहब जूनियर? बस कभी कभी थोड़ा थोड़ा हो जाता, जब थोड़ा आता ना कि बच्चे स्टाइल में आता है थोड़ा, हमारा ये फ्यूचर है, हमारा ये मुस्तकबिल है, आने वाले वक्त का ये मुस्तकबिल है, इन्होंने आगे जाके क्या बनना है ये हम इनसे पूछते हैं। अच्छा आमिर, आप मुझे ये बताएं, जिस तरह की अली ने बताया वो He want to be a doctor. वो डॉक्टर बनना चाहते हैं। आप इन फ्यूचर क्या बनना चाहते हैं? आपकी स्टडीज कैसी जा रही है? मेरी बहुत अच्छी स्टडीज जा रही है और मैं आगे आने वाले वक्त में मैं आईटी इंजीनियर बनना चाहती हूं। माशाल्लाह, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को आप अडॉप्ट करना चाहते हैं। व्यूअर्स देखिए, अभी से आमिर आपकी एज क्या है? 12 एट द एज ऑफ 12 ईयर्स एक बच्चा, क्या आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान एक तरक्की पजीर मुल्क है? एक तरक्की पजीर मुल्क में 12 साल का बच्चा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में इतना कुछ जानता है कि उसने अपना फ्यूचर आईटी कह दिया कि मेरा जो फ्यूचर है वो आईटी होगा। तो इधर से आप इस फैमिली के बच्चों का विजडम देखें, उनकी आप अक्लमंदी, आप उनके सेंस चेक करें कि उन्होंने इन फ्यूचर क्या करना है क्या नहीं करना, वो अभी से उन्होंने अपना माइंड सेट कर लिया है। तो हम ज़रा शरारती आलम जूनियर भाई से भी पूछते ना कि आलम भाई क्या बनना चाह रहे हैं? बिजनेसमैन। ओ गुडनेस मी। अच्छा, बिजनेसमैन कहीं वो तो नहीं जो बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी करके और फिर बाद में कह देगा जी ये बिल्डिंग तो मेरी है ही नहीं? नहीं नहीं। सच्चे बाप का सच्चा बेटा, मेरा अभी क्वेश्चन मुंह में था, अभी मेरा क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ था, तो आलम लोहार जूनियर भाई ने पहले ही कह दिया कि नहीं, कतन नहीं, बिल्कुल नहीं। तो ये सच्चाई है, ये इस ख़ानदान की सच्चाई है। इतना साफ ख़ानदान कहाँ मिलेगा आपको? ढूंढिए, अपने इर्द गिर्द ढूंढिए, और अगर मिलता है तो कदर करें, और अगर नहीं मिलता तो कोशिश करें कि इन बच्चों को उनके प्रोग्राम्स दिखाएं, उनकी एग्जांपल दें और ऐसे बच्चों जैसा बनाएं उनको। अली, आप ये बताइएगा कि आपको आपके बाबा की तरफ से कोई पाबंदियों का सामना करना पड़ता है? जी नहीं। मतलब आप बिल्कुल फ्री हैं, आपको फ्री हैंड दिया हुआ है कि आप डू वट एवर यू लाइक? ओके। अच्छा, कौन सी ऐसी बात जिस पे आपके बाबा खफा हो जाते हैं आपसे? झूठ बोल। ओह वेरी गुड। व्यूअर्स, झूठ, अपने अंदर से झूठ निकाल दें तो आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। ये एक 14 साल का बच्चा जिसके दिमाग में ये बात उसके अजीम बाप ने डाल दी है कि झूठ नहीं बोलना, तो झूठ ना बोलने से मुराद क्या है कि आपने ज़िंदगी में कभी भी गलत काम नहीं करना। हर बुराई और हर गुनाह की जड़ झूठ है। बात ही ख़त्म कर दी ना। देखें, वो एक अजीम बाप के अजीम बेटे ने दरिया को कुएं में बंद कर दिया कि वालिद साहब ने किस चीज़ से मना किया? झूठ बोलने से मना किया, बाकी जो करना है करो। अब जब झूठ ही नहीं बोलना तो क्या करेंगे? अच्छा काम करेंगे ना। तो अली, अब आप माइक दीजिए अपने शरारती क्यूट बेबी
आलम लोहार भाई जूनियर। आलम लोहार जूनियर, आप ये बताइएगा कि आपको कभी बाबा से डांट शांट पड़ी है? नहीं, कभी भी नहीं। कभी भी नहीं। इतनी शरारती होने के बावजूद डांट नहीं पड़ी? नहीं। मैं नहीं मानता। नहीं। पक्का? यस। वेरी गुड। अच्छा, अब हम आमिर भाई से भी पूछ ही लें। आमिर भाई, आप बताइएगा, आपको कभी बाबा से डांट पड़ी? नहीं, पापा वैसे ही समझाते हैं कि ये चीज़ें ना किया करो, इससे आगे आने वाले वक्त में आपको इससे नुकसान पहुंचेगा। वेरी गुड। इनके अभी से आप इतने सेंसिबल हैं, अभी से आपके बाबा आपकी जो तरबियत कर रहे हैं वो इस नहज पे कर रहे हैं कि आप इन फ्यूचर एक पाकिस्तान का एसेट साबित हो। अच्छा व्यूअर्स, अब हम ये पूछते हैं कि इनमें सिंगिंग का शौक किसको है, तो आमिर भाई आप ही बताइएगा, आपको सिंगिंग का शौक है? हम तीनों को सिंगिंग का शौक। ओहो, तीनों को ही सिंगिंग का शौक है। ठीक 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 ठीक, तीनों को जी सिंगिंग का शौक है। आमिर साहब, कोई अपना फेवरेट गुनगुना दीजिए कुछ सॉन्ग, या बाबा का कोई मतलब गाया हुआ गीत, कोई कलाम, कुछ भी। मैनू बार लंगा दे वे कड़िया हमीन ता तेरिया कर दी, ओ मैनू यार मिला दे वे कड़िया हमीन ता तेरिया कर दी। अरे क्या बात है, पिछली एपिसोड में मैंने कहा था कि जो अच्छाई होती है, जो रोशनी होती है, वो कैसे ट्रेवल करती है और कैसे रिफ्लेक्ट करती है। पहले मैंने एक अजीम बाप का सबूत दिया आरिफ लोहार की सूरत में, और अब एक और अजीम बाप का सबूत दिया इन बच्चों की सूरत में कि ये एक अजीम बाप के बेटे हैं, आरिफ लोहार के बेटे हैं। आवाज़ से महसूस कीजिए, ये आवाज़ रूह में उतर रही है, दिल की गहराइयों में जा रही है। अब हम गाना गुनगुनवाएंगे आलम लोहार जूनियर भाई से। जी आलम जी, आपका फेवरेट सॉन्ग। जिस तानू लगदी ओ तन्नू जाने, ओ जिस तानू लगदी ओ तन्नू जाने। अरे वाह वाह, देखें व्यूअर्स, मेरा ख्याल है कि अब हमें जाना चाहिए सबसे बड़े सपूत पे, अली भाई पे। जी अली भाई। बोल मिट्टी दया बाविया, तेरे दुखा ने मार मुका लिया, मेरा सोना माही आ जा हो। Goodness me, viewers, look at the notes, look at the note, कहाँ पे गए हैं इस नन्हे बच्चे के सुर, कहाँ पे गए हैं, और कहाँ कहीं पे आपने वोकल को फटते हुए देखा है? इतना हाई वोकल, इतना हाई रेजोल्यूशन, इतना हाई वोल्टेज पे जाके इतने हाई नोट, गुडनेस मी, मतलब आई एम स्पीचलेस राइट नाउ। व्यूअर्स प्लीज़, प्यारे बच्चों, आप खुद ही अपने बारे में माइक एक दूसरे को हैंड ओवर करते जाइए। मैं तो अभी तक आपके गाए हुए जो आपने सिर्फ एक एक अंतरा आपने सुनाया, मैं उनमें उन उसके शहर में मैं खोया हुआ हूँ। तो प्लीज़, अच्छा आप ये बताएं अली, बाबा का सबसे आसार कौन है? मुझे बताना है, किसी और को नहीं बताना। व्यूअर्स आप भी कान बंद कर दीजिए। जी अली बताइएगा। हम सब का राजदार वो है जिसका जिसका जिसको हम बता ही नहीं सकते आपको। सस्पेंस। अच्छा मैं ज़रा पूछता हूँ आलम लोहार जूनियर भाई से, एंड में आपसे पूछूंगा मैं, ज़रूर पूछता मैंने आपसे ये, क्योंकि आप बड़े, मुझे पता है आप बाबा के बहुत क्लोज हैं। तो आलम लोहार भाई, ज़रा आप बताइएगा ना कि बाबा का रास्तार कौन है? अल्लाह ताला। Oh my God, goodness me! Viewers, जिसका राजदार अल्लाह ताला हो, क्या उस शख्सियत को
जवान आ सकता है? नेवर एवर, सोचिएगा भी मत। अपना राजदार अल्लाह ताला को बनाइए जी। आमिर भाई तो आप जरा बताइए ना कुछ। तो एक दफा मैं अपने पापा के साथ जा रहा था, तो मैंने आसमान की तरफ देखा, मैं बोला अल्लाह ताला मेरे पापा आपसे बहुत प्यार करते हैं, और जितना वो प्यार करते हैं आपसे मैं वो एक्सप्लेन नहीं कर सकता। तो फिर उस टाइम आपके इमोशंस क्या थे आमिर भाई? आपका दिल अंदर से रो रहा था। हाउ सेंसिटिव व्यूअर्स, इतनी सेंसिटिव फैमिली, इतने सेंसिटिव बच्चे, 12 साल की एज, 9 साल की एज, 14 साल की एज, आप इनकी गुफ्तगू सुनिए, इतनी मैच्योरिटी, इतनी मैच्योरिटी उनके हर जवाब। आप एक चीज़ और गौर कीजिए, इंतहाई मुख्तसर मगर जामे जवाब दे रहे हैं। मेरा क्वेश्चन लंबा हो रहा है लेकिन उनके जवाब मुझे इंतहाई कॉम्पैक्ट मुकम्मल जवाब मिल रहे हैं, दो लाइनों में, दो अल्फाज में, दो शब्दों में, जो मर्जी कह लें मगर मुकम्मल। ये वो सपूत हैं जो अपने अंदर एक मुकम्मल शख्सियत रखते हैं। तो आपका फेवरेट गेम कौन सा है आमिर भाई? आपका फेवरेट गेम स्पोर्ट्स? स्पोर्ट्स मतलब क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, बैडमिंटन? क्रिकेट। ओके, क्रिकेट में आपका फेवरेट प्लेयर? सारी अच्छी हैं, पूरी टीम अच्छी है, गुड। ये एक पाकिस्तान और पाकिस्तान टीम से मोहब्बत करने वाले बच्चे हैं कि उन्होंने किसी एक को नहीं कहा कि जी ये मेरा फेवरेट, ये मेरा फेवरेट। कोई कहता कि जी बाबर आजम मेरा फेवरेट, मोहम्मद आमिर मेरा फेवरेट, शाहिद आफरीदी मेरा फेवरेट, तो कोई ना कोई एक दो नाम जरूर, लेकिन उन्होंने कहा सारे मेरे फेवरेट हैं। क्यों? क्योंकि वो पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं। तो अब यही क्वेश्चन हम करेंगे अपने शरारती क्यूट क्यूट से आलम लोहार जूनियर भाई से। जी आलम भाई, आपका फेवरेट स्पोर्ट्स कौन सा है और आपका फेवरेट प्लेयर कौन है? क्रिकेट और सारे मेरे ना फेवरेट है। वो मेरे इसलिए फेवरेट है, इसलिए वो मेरे पाकिस्तान है, क्योंकि वो पाकिस्तान के लिए खेलते हैं, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं। जिस तरह आपके बाबा पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं, पूरी दुनिया में जाके सब सलाली परचम रोशन करते हैं, ऐसे ही है। तो यही क्वेश्चन हम पूछेंगे अपने अली भाई दी ग्रेट से। जी अली भाई, आपका फेवरेट स्पोर्ट्स गेम और प्लेयर? जी अली भाई जी, मेरा फेवरेट स्पोर्ट्स जो है वो क्रिकेट है। तीनों का क्रिकेट हो गया, आपको क्रिकेट में क्या चीज़ अच्छी लगती है? जब हमारी पाकिस्तान की टीम जीतती है तो हम जीतते हैं। अरे क्या बात है, हम मीन पाकिस्तान जीतता है। देखें पाकिस्तान से मोहब्बत का आपने व्यूअर्स आप अंदाज़ा लगा रहे हैं, कुछ आप वो कर रहे हैं, मतलब इसको कैलकुलेट कर रहे हैं, जो पाकिस्तान से वालियाना मोहब्बत है इन तीनों बच्चों की। ये उस पूत के सपूत हैं जो फख्र पाकिस्तान है। तो अल्टीमेटली ये भी तो सपूत बनेंगे ना इस पाकिस्तान के। अली अब ये बताइएगा कि आप अब्रॉड भी अपने पापा के साथ कभी गए हैं? जी जी बिल्कुल। अच्छा, तो वहाँ पे कैसा रिस्पांस मिलता है? आपके पापा को तो रिस्पांस मिलता है, आपको कैसा रिस्पांस मिलता है? बहुत अच्छा। कोई ऐसा आपका कोई फैन जो सिर्फ आपका फैन हो, आपके पापा का ना हो, और वो उसके साथ कोई अच्छी यादें? फैन नहीं, हमारे प्यार करने वाले। अरे क्या बात है। ले जी मैं तो आज साफ से रिजाइन कर रहा हूँ कि बच्चे जो है ना बच्चे मतलब मेरे क्वेश्चन को उन्होंने बिल्कुल ही कन्वर्ट कर दिया कि फैन नहीं, ये उनकी कर्टसी है, इज्जत उनकी सारी है कि हाउ डाउन टू अर्थ चिल्ड्रन किड्स दे आर, कि हमसे प्यार करने वाले हमारे फैन नहीं है, हमसे प्यार करने वाले हैं। और हमसे मुराद ये पाकिस्तान को रिप्रेजेंट ही कर रही है ना ये फैमिली, और किसको रिप्रेजेंट कर रही है। तो इतना प्यारा जवाब, माइंड ब्लोइंग। अब हम यही क्वेश्चन करेंगे हमारे शरारती क्यूट क्यूट आलम लोहार जूनियर भाई से। जी आलम लोहार जूनियर भाई दी ग्रेट, बाबूजी जरा ये तो बताइएगा यूके आपको पसंद क्यों है इतना? मतलब क्या कह रहे हैं, पाकिस्तान
मुझे इसलिए पसंद है, इसलिए मेरे दादा भी यहाँ पर पैदा हुए, मेरे पापा यहाँ पर पैदा हुए, मेरे सारे अंकल यहाँ पर पैदा हुए हैं, मैं पैदा हुआ। माशाल्लाह क्या बात है। ये अली कुछ कहना चाह रहे हैं, अली क्या कह रहे हैं भाई? अली बताएं। असल में हमारी ना यूके हमारी सारी फैमिली। अच्छा। हमारे बड़े पापा उधर हैं, हमारे भाई उधर है, रहील भाई, नबील भाई, आदिल भाई, शकील भाई। अच्छा, तो आप उन्होंने मिलकर शरारतें भी करते हैं? जी बिल्कुल, हाँ शरारतें प्यार वाली, घूमना फिरना भी होता होगा। तो मुझे हमारी उधर बहनें, हमारी सारी फैमिली उधर है, हमारे अंकल है, हम उनके बेटों के साथ हम उधर जाके खूब एंजॉय करते हैं। क्या बात है। अच्छा मुझे आमिर भाई, क्यूट आमिर भाई ने बताया है कि आप जैसे ही वहां जाते हैं 4 से 5 दिन के बाद आप तीनों ही जैसे कहते ना काले पै जाना, काले कि जी बाबा सानू तो पाकिस्तान लै चलो, सानू तो पाकिस्तान लै चलो। वो क्या वजह है? घर की एक अपनी फील होती है। ओह ग्रेट, पाकिस्तान में हम पैदा हुए हैं, पाकिस्तान हमारा फखर है। क्या बात, क्या बात है। व्यूअर्स इतनी प्यारी प्यारी बातें इतने बच्चों के साथ। अच्छा एक बात मुझे ये बताइए कि घर में रूटीन में आप क्या ज्यादा पढ़ा जाता है, किस बात पे ज्यादा फोकस होता है आपका कि आप इस बात पे अमल करें? कुरान पाक। माशाल्लाह घर में कुरान पाक की तिलावत। तीनों भाई कारी पढ़ाने आते हैं? कारी साहब। माशाल्लाह माशाल्लाह क्या बात है। ठीक, और किस बात पे जोर ज्यादा दिया जाता है कि इस बात का खास ख्याल रखें? पापा कहते हैं ठीक है आप स्टडीज कर रहे हो ठीक है, लेकिन जो कुरान पाक है ये आपने डेली पढ़ना। माशाल्लाह गुड ग्रेट ग्रेट। अच्छा ये बताइए कि आप जब दूसरों से बातचीत करते हैं, चलें मैं तो आपका एक अंकल हूँ, चाचू हूँ, हमारे बड़े पुराने फैमिली रिलेशंस हैं, तो कि दूसरों के साथ भी आप ऐसे ही अद्भुत, आप क्योंकि आपके वालिद साहब जो हैं वो बहुत ही इस चीज़ के कायल हैं। आमिर आमिर एक मिनट, हम आमिर भाई बड़े खामोश खामोश बैठे। आमिर भाई ये ज़रा आमिर बाबू बच्चू ज़रा चैम्प बताएं, आप बताएं कि दूसरों के साथ आप जब बात करते हैं तो क्या चीज़ आपके जहन में होती है, आपके बाबा की बताई हुई या खुद से कुछ सीखी हुई? पापा ये बताते हैं कि दूसरों के साथ इखलाक अच्छा करो, ये जुबान अपनी साफ रखो, माशाल्लाह किसी के साथ बुरा ना बोलो, माशाल्लाह सबके जो आपके साथ बुरा भी करता है उसके साथ भी आप अच्छा करो। क्या बात है, क्या बात जी। तो आलम लोहार जूनियर भाई दी ग्रेट, जरा बताइए ना आप घर में क्या करते हैं? हम पापा से पूछ के खेलने भी जाते हैं, जब हम घर में आते हैं तो पापा के साथ हम खुल के मस्ती करते हैं। ओहो कैसे कैसे जरा बताएं, जरा कैसे? पापा के साथ खूब मस्ती करते हैं, पिलो फाइट कर ली। अरे वाह, क्योंकि बाप दुनिया का सबसे अच्छा और बेस्ट फ्रेंड होता है आपका। क्या बात, जो आपका कभी भी नुकसान नहीं सह सकता। अच्छा अच्छा एक इधर देना जरा, आमिर आप बड़े चुप करके बैठे हुए हैं, मुझे तो ये पता लगा है, मुझे ये छोटू स्पार्कलिंग नहीं स्पार्कलिंग छोटू ने बताया है कि आप तो अपने बाबा की डिड्डी में टक्कर भी मारते हैं। पकड़ लिया पकड़ लिया, ये राज खोल दिया है। लो वियर, जिसको मैं सबसे कम गो समझ रहा था वो सबसे शरारती निकला है। ले पूत तो पूत, पूत के सपूत की क्या ही बात है। तो व्यूअर्स इतनी प्यारी फैमिली से मिलने के बाद आज आपने तो जो इंजॉय किया सो किया, आज पब्लिक स्लैब विद फहद नवाज के इस प्रोग्राम में जितना मैंने इंजॉय किया है, लिटरली मैंने आज तक कभी इतना इंजॉय नहीं किया, ना रूटीन लाइफ में ना अपने ऑफिशियल या प्रोफेशनल लाइफ में। क्लीग्स के साथ हो जाता है लेकिन वो क्लीग्स की भी एक लिमिट होती है, लेकिन माशाल्लाह इतने प्यारे क्यूट अच्छे बच्चों के साथ मिलके, और स्पेशली मैं तो मिलता रहता हूँ लेकिन स्पेशली आपको मिलवा के मुझे बहुत खुशी हो रही है। आपको इनसे बहुत कुछ सीखने का भी मौका मिलेगा, आपको इंस्पिरेशंस भी मिलेंगी, और कोशिश कीजिए कि आप भी सोशल वैल्यूज़ को कायम रखें। बहुत प्यारी बात की अली भाई दी ग्रेट ने, उन्होंने कहा कि बाप से बड़ा दोस्त कोई नहीं होता। तो वाकई बाप से बड़ा दोस्त कोई नहीं होता। इसी मैसेज के साथ ही पब्लिक स्लैब विद फहद नवाज के
प्रोग्राम को राम प्रजील करता है और आपसे इजाज़त चाहता है। नेक्स्ट एपिसोड में एक और सेलिब्रिटी के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।